दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नया खुलासा हुआ है। लड़की के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी ने खुद फोन कर उन्हें बताया था कि उसका शारीरिक शोषण किया गया था। गैंगरेप के इस मामले के आरोपियों में आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी शामिल है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव को इस घटना के बारे में जानकारी थी। आपको बता दें, किसान आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की लड़की से गैंगरेप की इस घटना की जानकारी होने के बाद भी चुप्पी साधने को लेकर योगेंद्र यादव सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है योगेंद्र यादव को घटना की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पीड़िता के मृत्यु के बाद भी इस पुलिस को साझा नहीं किया। उधर अंकुश सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस घटना की एक पेपर कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि सब जानते हुए योगेंद्र यादव अपने एजेंडे के लिए चुप्पी साधे हुए। उस ट्विटर यूजर्स ने तो स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करने की मांग भी कह रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करके लिखा, ये जानकर हैरान हूँ कि योगेंद्र यादव मौत से पहले महिला के साथ हुए यौन शोषण के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करने में बारे में भी नहीं सोचा। पुलिस को योगेंद्र यादव की भी जाँच करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इनमें से अनूप सिंह तो हिसार क्षेत्र से हैं, वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। इसकी पुष्टि आपके सांसद सुशील गुप्ता ने भी की है। वहीं अनिल मालिक दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में सुशील गुप्ता ने जानकारी होने से इनकार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, बंधक बनाने और धमकी देने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, PGI में जांच में पता चला है कि पीड़िता कोरोना संक्रमित थी। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर किसान संगठन का ग्रुप उसे एम्बुलेंस में लेकर कई अस्पतालों में पहुंचा, लेकिन वहां बेड नहीं मिले। इसी बीच आंदोलन जीवियों ने राज्यसभा सांसद दीपक हुड्डा की टीम में शामिल बहादुरगढ़ के प्रदीप लाउडरट से संपर्क किया। प्रदीप ने पीड़िता को बहादुरगढ़ के शिवम अस्पताल में भर्ती कराया। 27 अप्रैल से यहाँ उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन 30 अप्रैल की सुबह उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में उसके साथ रेप होने की बात सामने आई थी। युवती की मौत कोरोना से होने की बात ने वाले आंदोलनकारियों ने उसकी शव यात्रा भी निकाली थी, जबकि कोरोना संक्रमित की एक निश्चित दिशा निर्देश के तहत अंत्येष्टि की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि युवती के साथ गलत होने की बात दब जाए, इसी वजह से शव यात्रा निकाली गई। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, VK News, दिल्ली।